फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और पॉजिटिव हैं। आज हम मैजिक सर्कल बनाना सीखेंगे। राउंड क्रोशिया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मैजिक सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम मैजिक सर्कल, मैजिक रिंग, मैजिक लूप या फिर पैडेड रिंग टेक्निक भी कहते हैं। पैडेड रिंग टेक्निक का यूज हम आयरिश क्रोचेट लेस बनाने में करते हैं। मैजिक रिंग क्रोशिया में बनाए जाने वाले पैटर्न्स जैसे कि थालपोश या मैट भी बोल सकते हैं इसको हम, टेबल मैट, थालपोश। इसका जो सेंटर में ये राउंड बना हुआ है, ये मैजिक रिंग से बना हुआ है। तो इसका यूज थालपोश बनाने में, ग्रैनी स्क्वायर बनाने में, इसका जो राउंड है ये भी मैजिक लूप और मैजिक सर्कल और मैजिक रिंग जो भी बोले आप उससे बना हुआ है। कैप बनाने में, कैप का जो राउंड स्टार्ट होता है ये भी मैजिक सर्कल से स्टार्ट हुआ है। एमिग्रूमी बनाने में, एमिग्रूमी टॉयज बनाने में, ये इसका सर्कल जो है ये भी मैजिक लूप से ही स्टार्ट किया गया है। बॉटल कवर बनाने में, बॉटल कवर का जो बेस होता है राउंड, वो भी इस मैजिक रिंग से बनता है, आदि में किया जाता है। तो ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल्स। अब कुछ मैजिक रिंग्स मैं बना के लेके आई हूं आपके साथ। इस तरह से बन सकता है, इस तरह ये चेन से बनाया हुआ है दूसरा, और ये जो थर्ड वाला है ये हमने बनाया है पैडेड रिंग, जो मैंने आपको बताया था कि आयरिश प्रोजेक्ट में जिसका यूज किया जाता है। आज हम पांच तरीके के मैजिक लूप बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ऊन और क्रोशिया की आवश्यकता होगी। मैंने यहां पतली ऊन ली है, इसलिए मैंने क्रोशिया भी पतला कम नंबर का यूज किया है। 3.25 का क्रोचेट हुक लिया है। यार्न मेरा थिन है, पतला है। तो पहला तरीका देखते हैं। पहले तरीके में आपको स्लिप नॉट बनाना है, लेकिन स्लिप नॉट को टाइट नहीं करना है। इसको पक्का करने के लिए इसमें हम 3 बार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, और इस होल के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे 10 बार। आप चाहें इसमें सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं, हाफ डबल क्रोशिया कर सकते हैं, डबल ट्रिपल जो चाहें आप इस होल में कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां। ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। अब सर्कल को हमें टाइट करना है। टाइट करने के लिए जो ये क्रोचेट का टेल वाला भाग है इसको हमें खींचना है, टाइट करके खींचना है, जिससे सर्कल इजीली बंद हो जाए, छेद सर्कल का बंद हो जाए। और अब हमें ये जो पहली चेन बनाई थी उसका जो वी लूप है उसमें जाके क्रोशिया को एंटर करा के यार्न ओवर करते हुए क्रोशिया को निकाल लेना है, और ये जो पिछला वाला लूप है इसमें से भी निकाल लेना है। तो ये आपका एक बन गया मैजिक सर्कल। आप देख पा रहे होंगे। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में वूल का जो टेल वाला पार्ट है इसको आपको ऐसे रखना है आगे की साइड, और ऐसे इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, अंगूठे और थंब से इसको ऐसे पकड़ना है। इंडेक्स फिंगर के ऊपर आपको टेल वाले पार्ट को 3 बार लपेटना है। पहले इसको ऐसे पकड़ लेंगे, 3 फिंगर ऐसे करके, ऐसे टेल वाला पार्ट इसको 3 बार लपेटेंगे, 1, 2, 3। ना ज्यादा लूज रखेंगे लपेटने में, ना ज्यादा टाइट रखेंगे हाथ को। और जो ये टेल वाला पार्ट है इसको मिडल फिंगर और इंडेक्स आपका
मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे। अब क्रोचेट हुक को लेंगे और इन तीनों में से ऐसे रखेंगे, पास करेंगे, और जो आखिरी वाला ऊन का सिरा है उसको इन दोनों में से ऐसे निकाल लेंगे और फिर से एक बार जो ये लास्ट वाला अंत वाला ऊन है उसको हम इसके अंदर से ऐसे ले आएंगे और इसको धीरे से उंगली में से निकाल लेंगे। तो ये आपका एक सर्कल बन गया। इसमें बनाएंगे हम तीन चेन और डबल क्रोशिया करेंगे 15 बार, 1, 2, 3, इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये हो गया हमारा लास्ट 15। अब हमको इसको टाइट करना है। टाइट करने के लिए टेल वाले पार्ट को ऐसे जोर से खींच देंगे, जितना जोर से खींचेंगे ये हो गया टाइट। और चेन का वी, फर्स्ट चेन का वी में जाके क्रोचेट हुक को यार्न ओवर करते हुए ऐसे निकालेंगे। ये स्लिप स्टिच बोलते हैं इसको, दोनों में से निकाल के ऐसे स्लिप स्टिच बना ली। अब देखेंगे हम तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में हमें उनका टेल वाला पार्ट नीचे रखना है और ऐसे तीन उंगली से पकड़ना है, हमें तीन उंगली और थंब से लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे पीछे से लाएंगे पकड़ते हुए। इसमें आगे पीछे की साइड क्रॉस बनेगा और आगे की साइड दो पैरेलल लाइंस होंगी और इस क्रॉस को ऐसे कर देंगे। अब क्रोशिया हुक लेंगे, क्रोशिया हुक को ऐसे दोनों पैरेलल लाइंस में पास करेंगे, पीछे वाला जो वूल है उसको ऐसे आगे लेके आएंगे और सेम उसी में से ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे धीरे से हाथ को छोड़ देंगे। इस सर्कल को आप लूज टाइट भी कर सकते हैं। अब इसमें बनाएंगे चेन, यहां हम बनाएंगे 10 डबल क्रोशिया, तीन चेन बनाएंगे पहले और इसी होल में हम 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3, 4, 5। एक चीज का ध्यान रखें, ये जो टेल वाला पार्ट है जो साइड में हमेशा आपको ऐसे लटकता हुआ मिलेगा उसको आपको साथ लेके चलना है मजबूती के लिए। इसको हम ड्रॉ स्ट्रिंग की तरह लूज टाइट कर सकते हैं लेकिन लास्ट में हमको इसको टाइट ही करना होगा। अपने काम की सुविधा अनुसार हम इसको लूज टाइट कर सकते हैं। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको टाइट करें, टेल वाले पार्ट को खींच लें जोर से, अच्छे जोर से खींच लें और चेन का जो फर्स्ट वाला वी है उसमें जाएं। यार्न ओवर करते हुए स्लिप स्टिच बना दें। तो ये हो गया तीसरा मैजिक सर्कल। अब देखेंगे हम चौथा तरीका मैजिक सर्कल बनाने का। ऐसे इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली उल्टे हाथ की, उसमें हम उनको लपेटेंगे। टेल वाला पार्ट यहां रहेगा। ये हम पैडेड रिंग टेक्निक का यूज करना बता रहे हैं आपको। इसमें आप 3 से 15 बार कितनी बार भी उनको लपेट सकते हैं। उंगली में लपेटना बता रही हूं मैं, 1, 2, 3,
चार पांच छः सात आठ नौ दस। धीरे से इसको निकालेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, टेल वाला पार्ट नीचे रहेगा, इसमें क्रोशिया हुक एंटर कराएंगे, थंब से ऐसे पकड़ेंगे और इसमें यार्न ओवर करके इसको टाइट करने के लिए चेन बनाएंगे, या हम तीन चेन बनाएंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डबल क्रोशिया किया। इसको टाइट करना है, टाइट करने के लिए इसको जोर से खींचें और अब फर्स्ट चेन की वी में जाएं, इसको बंद कर दें। तो ये बन गया आपका एक पैडेड रिंग। देख पा रहे हैं, दूसरे प्रकार से पैडेड रिंग बनाना सीखते हैं। इसमें हमें क्रोचेट हुक ऐसे रखना है और इसपे वूल का जो टेल वाला पार्ट है नीचे रख के धागे को ऊन को लपेटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से इसको ऐसे डायरेक्शन करते हुए और स्लोली स्लोली यहां पर ले आना है। यहां पर लाने के बाद इसको ऐसे पकड़ लेना है और इसमें से क्रोचेट हुक को निकालना है और चेन बनानी है 3 डबल क्रोशिया करने के लिए। इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 छः सात आठ नौ 10। अपने प्रोजेक्ट के अनुसार आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस हो पैटर्न पढ़ के आप इसमें उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ये मैं आपको तरीके बता रही हूँ। इसको टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद सेम स्लिप स्टिच बनाएंगे, क्रोशिया का जो पहला चेन है उसके वी में जाएंगे और यार्न ओवर करते हुए वी से निकालेंगे, और यार्न ओवर करते हुए वी से पास किया और ये जो लास्ट वाला लूप है इसमें से पास कर दिया। तो ये आपका एक पैडेड रिंग बन गया। देखेंगे पैडेड रिंग जो है, अगर आप इसका उल्टा साइड देखते हैं तो ये ऐसे नजर आता है। इस टेक्निक का यूज हम आयरिश लेस बनाने में करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पांचवा और आखिरी तरीका मैजिक रिंग मैजिक लूप बनाने का। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। पहली वाली चेन में क्रोचेट हुक को एंटर करेंगे और यार्न ओवर करते हुए इन दोनों लूप्स में से पास कर देंगे। टेल वाला पार्ट को साथ में लेके चलेंगे टाइटनेस के लिए, मजबूती के लिए 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के ये जो राउंड बन गया है, सर्कल बन गया, एक चेन बनाने के बाद उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 बार, 2 3 4 5 छः सात आठ
नौ, दस, वूल का जो टेल वाला पार्ट है इसको टाइट कर लेंगे जिससे होल ना दिखे हमें। अब हम क्रोचेट हुक को पहली जो हमारी चेन बनी है उसके वी में एंटर कराएंगे, यार्न ओवर करते हुए सेम वी में से हुक को पास करेंगे और जो पीछे वाला लूप है उसमें से भी हुक को पास कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये इस तरह से हमारा बन गया पांचवा मैजिक सर्कल, या यूं कहें मैजिक लूप। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके बहुत काम का रहेगा, आपको आगे सहयोग देगा, और इसी तरह से मेरे चैनल पर आते रहिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। चैनल पर टाइमली आने के लिए, फरिश्ता क्राफ्ट का हिस्सा बनने के लिए साइड में बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए जिससे टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और टाइम से आप मेरे चैनल पर आए। तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय बाय।